टाटा टिगोर में अभी हाल फिलहाल में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वाचिंग पीएम्स फोटोग्राफी। तो अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। और अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगी या फिर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सर्च करें प्रकाश महंत फेसबुक पर एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो फ्रंट पे ये आप क्रोम ट्रीटमेंट्स देख सकते हैं जो कि काफी अपीलिंग लग रहे हैं, और ये इसके हेडलैम्प है जो कि डबल बैरल है, इसमें एलईडी डीआरएल्स तो नहीं मिलते और इसमें थोड़े से क्रोम इंसर्ट है, और एक है प्रोजेक्टर लैंप और एक है रेगुलर लैंप, और ये है 15 इंच के एलॉय व्हील्स जो कि इसका टायर साइज है, और इसमें एक जेटीपी भी आता है जो कि एक ही ट्रिम एंड एक ही वेरिएंट में आता है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है ₹7.49 लाख। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट है और ये जनरेट करता है 112 PS की पावर एंड 150 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपने टाटा नेक्सॉन में देखा होगा जो कि 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल मोटर है, और ये अभी जो टिगोर में एक्स टी का वेरिएंट आता था वो डिसकंटिन्यू कर दिया जा चुका है, और इसमें आता है एक्सी एक्सएम एक्सजेड एक्सजेड प्लस, और इसमें ऑटोमेटिक भी आता है पेट्रोल में जो कि एक्सजेड ए है और वो टॉप मॉडल में ही आता है। तो बात करूँ इसके पेट्रोल इंजन की तो वहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल मोटर जो जनरेट करता है 85 PS की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क, विच इज मेटेड टू अ 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स, और इसका माइलेज है 20 km/L की। और डीजल की बात करूँ तो उसमें मिल जाता है आपको 1.05 लीटर 3 सिलेंडर रेवोटॉर्क डीजल इंजन जो कि 70 PS की पावर जनरेट करता है 114 Nm का टॉर्क, और ये भी 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स से मेटेड है, और इसका ARI सर्टिफाइड माइलेज है 25 km/L का, और इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है 35 लीटर्स का, और जो JTP है उसका ARI सर्टिफाइड माइलेज है 15.83 km/L का। तो टिगोर आपको 5.20 से लेकर 7.38 लाख रुपीस एक्स शोरूम पर मिल जाती है। और इसके बात करूँ सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिल जाता है जो कि बेस वेरियंट से ही मिल जाता है, और बात करूँ इसके टॉप एंड वेरिएंट की जो कि आप अभी देख रहे हैं XZ प्लस, इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं ABS, EBD, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, कीलेस एंट्री, और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और इसमें जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है विथ 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स, और इसमें ऑटोमेटिक AC मिल जाता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी, और टॉप मॉडल में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, और जो एक्सी पेट्रोल का एक्स शोरूम प्राइस है जो कि बेस मॉडल है उसका है 5.42 लाख रुपीस, और एक्सी डीजल का प्राइस है 6.32 लाख रुपीस, और टॉप मॉडल की बात करूँ तो XZ प्लस जिसका पेट्रोल में कीमत है 6.63 लाख रुपीस और डीजल में 7.53 लाख रुपीस, और बात करें ऑटोमेटिक के प्राइसेस की तो वो है XZ A में 6.79 लाख रुपीस एक्स शोरूम, और इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है 419 लीटर्स का, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है 170 mm का। तो ये गाड़ी पहले से थोड़ी सी और अच्छी लगने लगी है, पहले भी काफ़ी अच्छी लगती थी, काफ़ी जगह आपको क्रोम ट्रीटमेंट्स दिखेंगे जो कि काफ़ी अग्रेसिव करते हैं गाड़ी के लुक को, और ये रियर पे आपको क्रिस्टलाइन टेल लैंप मिल जाएंगे जो कि पहले आपको रेड कलर में मिलते थे, और ये इसका रियर स्पॉइलर मिल जाता है जो कि बेस मॉडल से ही मिल जाता है आपको, और ये क्रोम स्ट्रिप देख सकते हैं, और इसके क्रिस्टलाइन लैंप्स जो कि टेल लैंप्स हैं, पहले अगर आपको याद होगा तो ये कुछ रेड कलर में आते थे, और बम्पर पे भी थोड़ा चेंजेस किया गया है, और ये पार्किंग सेंसर्स लगा हुआ है, और ये XZ प्लस की बैजिंग, और ये टाटा का लोगो सेंटर पे, और ये टिगोर की बैजिंग, और इसका स्पॉइलर शार्क फिन एंटीना भी मिला है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी जी, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कार है तो ये काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा के पैकेजेस तो काफ़ी अच्छे ही रहते हैं, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी।
Yeah.